मुझे गाड़ी थोड़ी पीछे करनी पड़ी ताकि मानसिका दिखे तो सही कि उसने क्या पहना है। वाओ मानो, यू आर लुकिंग सो नाइस। लाइट कम है, जब लाइट होगी पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा। यस, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। करेक्ट, यू आर लुकिंग सो नाइस। थैंक यू। लाइट चली गई तो हम लोग फटाफट वहां पे पहुंचते हैं। हाँ, निकलते हैं अभी क्योंकि लेट है, फिर बात करते हैं रास्ते में। वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग्स। दिस इज अ वेरी स्पेशल व्लॉग बिकॉज मैं सेलिब्रेट करने लगी हूँ अपना बर्थडे विच इज ऑन 27 अगस्त, यानी कि कल। सो आज रात से ही पार्टी स्टार्ट हो रही है बिकॉज अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, वहां पे उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे एंड देन कल फैमिली को बाहर लेके जाने का प्लान है। सो मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है बिकॉज मैंने इतने सालों से अपने बर्थडे पे लिटरली ऐसे नाइट आउट नहीं किया है। नॉर्मली कबीर के होने के बाद मैंने अपने बर्थडे पे जनरली स्टेकेशन पे चले गए, और अभी लास्ट ईयर नूर के साथ गोवा चले गए थे तो एक वेकेशन हो गया था। सो ऐसे वाले बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं तो इस बार मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है बिकॉज शादी से पहले हम ऐसे वाला करते थे कि मतलब बाहर जाएंगे एंड वील डांस एंड वील ईट नाइस फूड एंड वील गो टू अ नाइस रेस्टोरेंट, सो वो सब करते थे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, अभी चलते हैं। हम बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जस्ट 8 o'clock एंड कोशिश करेंगे 1 बजे तक आने की। बच्चे तब तक सो जाएंगे बिकॉज दोनों बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं, नानी के पास हैं। एंड सौरव इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। यस, और ये शर्ट मुझे मिली है मानसी से रिटर्न गिफ्ट। या सो मेरे को मतलब गिफ्ट तो इस बार मुझे कुछ नहीं मिला, रिटर्न गिफ्ट ही देना पड़ रहा है, बट दैट्स ओके। सो इस बार थोड़ा गिफ्ट के साथ मेरा ऐसे हो गया कि सौरव ने मुझे कुछ चीजें बोला कि ऑर्डर कर लो एंड आई ऑर्डर्ड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, बट मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ही बुरी हूँ। मतलब मैं बच्चों के लिए कर लेती हूँ अच्छे से, बट अपने लिए मेरा सक्सेस रेट इज 0। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग अच्छे से कर पाते हो तो मुझे येस लिख के कॉमेंट में जरूर बताना। आई वुड लव टू सी कि एक्चुअल में कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपर्ट्स हैं इन माई कम्युनिटी। उसका डेफिनेशन तो बता दो कि वो एक्सपर्ट कैसे हैं। मानसी का एक्सपर्ट होने का रीजन, मतलब मांगने का रीजन ये है कि मानसी के अगर 10 कपड़े आते हैं उसमें से 9 वापस जाते हैं, 1 रहता है और वो जो रहता है वो होगा सॉक्स लगा लो या ऐसी कोई चीज। ओके, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आई थिंक हमें फोकस करना चाहिए अभी ड्राइविंग पे, बट सी यू नहीं, जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइस एंड एंजॉय द ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच बिकॉज आप लोग मुझे विश करना स्टार्ट कर दोगे, इंस्टाग्राम पे भी विशेज ऑलरेडी आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बिग बिग थैंक यू टू माई लवली मॉमकॉम कम्युनिटी जिसमें इतने अच्छे लोग हैं जो दिल से हमारे लिए विशेस करते हैं, हमें बहुत सारा प्यार करते हैं और हिम्मत देते हैं आगे बढ़ते ही जाने की। Thank you. A few moments later. So guys, already बज चुके हैं 9:15, हमें 1.25 घंटा हो चुका है और ये दिल्ली का जो ट्रैफिक है, जिस जगह पे पहुंचने में से 40 मिनट्स लगने थे उसको 1.25 घंटा हो चुका है, अभी 15 मिनट और लगेंगे। तो मैंने कॉल करके अपनी रिजर्वेशन को एक्सटेंड करा लिया बिकॉज जिस जगह हम जाते हैं वो सैटरडे नाइट को काफी बिजी होती है। तो मेहरोली में ना काफी सारी जगहें हैं जो सैटरडे संडेज फ्राइडेज को काफी क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, आई विल नॉट टेक सच फीडबैक ऑन माई बर्थडे। या सो ये है, तो हम जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम है मीजो सेक्सी, और वैसे वहां पे डियर डोना भी है और कुछ और भी है जो मैं वहां पे देख के आपको बताऊंगी। बड़े सारे फैशन डिजाइनर्स के स्टोर है वहां पे, जैसे मनीष मल्होत्रा का भी है, बट अभी तो बंद हो चुका होगा तो कोई फायदा भी नहीं है उसके बारे में बात करके। कबीर पढ़ाई करेगा तो नूर को भी पढ़ाई करनी है ऑब्वियसली। यहाँ पे इमिटेशन हो रहा है, वो तो जेन्युइन पढ़ाई कर रहा है, नूर मस्ती पढ़ाई कर रही है। ओके नाइस, यू हैव अ रियल लायन। अच्छा, व्हाट डज द लायन से नूर? ओह, एंड व्हाट डज द कैट से? एंड द एलिफेंट? एलिफेंट सेज
एंड वेयर इज कब्बू कब्बू गाइस ये इतना प्यारा कब्बू बोलती है आई थिंक द पर्सन शी लव्स द मोस्ट इन आवर फैमिली इज कब्बू Yes. Let you study. Sorry, I should stop talking now. So guys, it's Sunday and it's my birthday, 27th of August. Last night, बहुत ही अच्छा रहा. We had a gala time, like a ball. Literally, we had बहुत सालों बाद मैंने ऐसे अपना birthday मनाया and what a fun night it was. So that went pretty well. And अब मैं जा रही हूँ celebrate करने उन लोगों के साथ जिन्होंने मुझे birth दिया और उन लोगों के साथ जिनको मैंने birth दिया. So इट्स फैमिली टाइम नाउ और हम लंच के लिए जा रहे हैं. सो आज हम जिस रेस्टोरेंट जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी पता नहीं कितने सालों से बट नहीं जा पाई. ये भी अपेरेंटली उसी जगह है जहां हम कल रात को गए थे बट रात वाली जगह अलग थी और ये जगह अलग है. यहाँ पे बच्चे अलाउड हैं और यहाँ पे संडे को ब्रंच होता है. इट्स गोना बी नाइस लाइव म्यूजिक एंड काफी अच्छा स्प्रेड है मैंने सुना है खाना वगैरह अच्छा होता है. सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट इज. मेरे डैड वहाँ डायरेक्टली पहुंचेंगे उन्होंने भी आज छुट्टी ली है. कबू के लिए क्लैपिंग भैया 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 So guys, it's 5:40 in the evening and we guys are back home. हमारा ब्रंच एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया. So इस रेस्टोरेंट का नाम है क्यूला. ये मेहरोली में है एंड यहाँ पे संडे को ब्रंच होता है फ्रॉम 12:30 to 4 और लाइव म्यूजिक होता है. बहुत अच्छा एम्बियंस था. आई वुड से मुझे बहुत टाइम से यहाँ जाना था तो इट्स ऑलवेज नाइस कि आप अपनी स्पेशल ओकेजन्स पे उन जगह जाओ जहाँ पे आपको यू नो यू ऑलवेज वांट टू गो. थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे था बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट. वी रियली इन्जॉयड. हमने 2.5 घंटे बैठ के सिर्फ खाया और पिया और म्यूजिक इन्जॉय किया. बच्चों के लिए जैसे नूर की एज में मैं आपको बोलूंगी कि मतलब अगर इतने छोटे बच्चों को आप नहीं लेके जाओ तो इट विल बी बेटर बिकॉज थोड़े टाइम बाद ना नूर थक गई थी. मतलब वो घूमना चाहती थी और इतना ज़्यादा रश था रेस्टोरेंट के अंदर तो दैट वेज इट डिडंट वर्क वेरी वेल फॉर हर. बट ठीक है शी वॉज स्टिल ओके. मतलब गोदी में और ऐसे करके वो मैनेज करी थी. इसीलिए ना इससे पहले जब कबीर के साथ मैं जब कभी बहुत छोटा था और मेरे बर्थडेज होते थे या सौरभ के बर्थडे होते थे तो हम हमेशा स्टेकेशन करना वेकेशन करना ऐसा कुछ करते थे. हम रेस्टोरेंट जाते ही नहीं थे बट नूर के साथ हम ऑब्वियसली ज़्यादा हिम्मत करके कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं. सो विच इज़ ऑल्सो ओके. फूड वाइज मैं बोलूंगी आउट ऑफ 5 आई गिव इट अ रेटिंग ऑफ मे बी अ 4.5. मतलब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी
कुछ चीजें ओके थी एंड इट वॉज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और कल रात को हम लोग गए थे मीजो सेक्सी जो भी मेहरोली में ही है. तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हो या फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो, वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है, यू वांट टू हैव अ नाइस टाइम ऑन अ फ्राइडे और अ सैटरडे नाइट, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट एरिया. वेरी नाइस एरिया दैट इज. हमें तो वहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगी. राइट, सौरभ तो अभी तक कल रात से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं. मेरा बर्थडे खत्म ही होने वाला है और वो पीछे से आ गई नूर. तो इसी के साथ हम और पापा भी